आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सदिश 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप पर सदिश i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप निकालें। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले मान ले रहे हैं कि ये जो है ये वेक्टर a है और ये जो है वेक्टर b है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि वेक्टर a पर सदिश वेक्टर b अर्थात सदिश a पर सदिश b का प्रक्षेप निकालिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसलिए सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, सदिश a पर प्रक्षेप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सदिश a डॉट सदिश b अपॉन, अब चूंकि सदिश a पर प्रक्षेप निकालना है हमें यहां पर, तो नीचे क्या हो जाएगा सदिश a का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो यहाँ पर i गुणांक, i का गुणांक यहाँ पर कितना है, i कैप का गुणांक 4 है और यहाँ पर i का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस, फिर यहाँ पर j कैप का गुणांक क्या है माइनस 4 और यहाँ पर j कैप का गुणांक क्या है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 4 गुने माइनस 2। ठीक है, प्लस और यहाँ पर फिर k कैप का गुणांक 7 और यहाँ पर k कैप का गुणांक 7, तो ये हो गया 7 गुने 1। ठीक है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, तो 7 गुने 1 हो गया अपॉन वेक्टर a का परिमाण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो 4 का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 4 गुने 1 4 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 4 गुने माइनस 2 प्लस 8 हो गया और 7 गुने 1 ये हो जाएगा 7। ठीक है, अपॉन ये हो गया अंडर रूट 4 के स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8 4 12 7 19 हो गया ये अपॉन, और 16 16 कितना हो गया 32, अब 32 और 40 कितना हो जाएगा 72 और 72 9 81, तो ये आ गया अंडर रूट 81 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 19 अपॉन और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो ये आ गया 19 अपॉन 9। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप निकालिए, तो प्रक्षेप आ गया 19 अपॉन 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।